नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। वर्ष 2017 के यूपी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव जीतने के लिए जुट गई हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णी। जयदीप जी, प्रशांत किशोर की रणनीति और कांग्रेस की ताजा बदलाव, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को सफलता मिलेगी यूपी में? देखिए, सफलता मिलने के बारे में तो नहीं कहा जा सकता। अभी जो लगभग 25 सीटें कांग्रेस के पास हैं, वो अगर दुगनी होकर 50 हो जाएं तो मैं मानूंगा ये बहुत बड़ी सफलता होगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर श्रेय प्रशांत किशोर को देना चाहूंगा कि बाकी सारी दलों से पहले और बेहतर तैयारी कांग्रेस की दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने इन चुनावों को लेकर जो गंभीरता दिखाई है, एक तो पहला सबक ये लिया है कि लगातार राहुल गांधी को चेहरा बनाने से जो उनका नुकसान हो रहा था, उससे बचने के लिए उन्होंने राहुल गांधी को पीछे रखा है। उन्होंने राज बब्बर को आगे किया है, उन्होंने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, उन्होंने दूसरे और तमाम लोगों को इस तरीके से जोड़ा है कि जो जातिगत और वोट के समीकरण है उनमें आपस में तालमेल बैठ जाए। गुलाम नबी आजाद को लाएं ताकि मुस्लिम वोटों को साध सकें। इसके अलावा वो इमरान मसूद, जो हालांकि विवादित रहा उसके बयान को लेकर, उसको उन्होंने रखा है। तो जो कुल मिला के उन्होंने कोर टीम बनाई है, उसमें इस बात की गंभीरता तो दिख रही है कि कांग्रेस जिस तरीके से केवल गांधी परिवार के किसी चेहरे को आगे करके उसी को अपना त्रुप का इक्का मानकर, और जो आसपास के चापलूसों की कोटरी थी वो भी यही हमेशा जताने पे तुली रहती थी, क्योंकि वो एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, तो वो इसी को आगे बढ़ाए रखने में अपनी खुश सफलता समझते थे। मुझे लगता है जिस गंभीरता से कांग्रेस अपने आप को उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतार रही है, वो निश्चित तौर पर बेहतर परिणाम दे सकता है। लेकिन यहां से आगे का रास्ता कैसा होगा? प्रियंका गांधी का नाम लगातार चला, लेकिन वो प्रचार करेंगी पर वो अभी कहीं किसी औपचारिक पद पर दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सारे समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन जिस गंभीरता से कांग्रेस उतर रही है उसको निश्चित तरीके से उसने अपने आप को मैदान में तो उतार ही दिया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी ओर से तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से बिहार के चुनाव में मुस्लिम और यादव वोट महत्वपूर्ण माने जा रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर दलित और जो ठाकुर वोट है, ब्राह्मण वोट है, उसके आधार पर सारी लॉबिंग हो रही है। अब दलितों के जो वोट है वो सारे अधिकांश बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलते हैं, और मुस्लिम वोट जो था अब उसको लेकर जरूर बहुत लड़ाई होगी, क्योंकि मुस्लिम वोट लगातार समाजवादी पार्टी के खाते में जाता रहा है। अब आगे जाकर हो सकता है उससे दूर छिटके, क्योंकि जो दादरी का कांड हुआ या मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे उनको लेकर कुछ खटास मुस्लिम वोट बैंक में है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के चुनाव दिलचस्प होंगे, ये दिखाई दे रहा है अभी तो। यदि कुछ समय पहले सर्वेक्षण आए थे जिनमें कहा गया था कि बसपा का पलड़ा इस बार भारी रह सकता है, असल में ये है कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, हालांकि जातीय क्षेत्रीय समीकरण बिल्कुल अलग है, जो आसपास का भौगोलिक वातावरण है वो अलग है, लेकिन तमिलनाडु जैसे हालात बहुत कुछ उत्तर प्रदेश के भी हैं। तमिलनाडु में जैसे द्रमुक और अन्ना द्रमुक, हालांकि इस बार वैसा नहीं हुआ है और लगातार अन्ना द्रमुक सत्ता में बनी रहने में सफल रही है, लेकिन इतिहास जो तमिलनाडु का रहा है वो ऐसा ही रहा है कि कभी वो करुणानिधि को चुन लेते, कभी जयललिता को चुन लेते, एक के शासन से तंग आ जाते, एक के भ्रष्टाचार से तंग आ जाते, एक की नीतियों से परेशान हो जाते, दूसरे को जिता देते। ऐसा ही कुछ वाकया अभी कुछ समय से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों बड़े राष्ट्रीय दल, हाशिए पर गए हैं उत्तर प्रदेश में, तब से वो बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के हवाले हो चुके हैं। कल्याण सिंह का पतन और कांशीराम का उदय, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये एक टर्निंग पॉइंट था उत्तर प्रदेश में। वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों की स्थिति कमजोर होती चली गई और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ता चला गया, जिनकी की राष्ट्रीय आकांक्षाएं भी हैं। लेकिन फिलहाल उनको ये समझ में आया कि जिस तरीके की बुरी पराजय उनकी लोकसभा के चुनाव में हुई है, उससे उनको समझ में आ गया कि उन्हें अपनी जमीन पर अपनी जगह पर काम करना होगा। आप लोकसभा चुनावों की स्थिति देखिए तो यादव परिवार की खुद की सीटें छोड़कर वो कोई और सीट नहीं बचा पाए, बहुजन समाजवादी पार्टी की हालत तो और भी खराब हो गई। तो उनको ये सबक मिला है कि उनका जो क्षेत्रीय आधार है उसके आधार पर अपनी विधानसभा में, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में वो मजबूत बने रहे, ये जरूरी है। तो जो सर्वेक्षण आ रहे हैं उनका खास तौर पर कारण ये है कि अखिलेश यादव की सरकार दरअसल जो सफलता हासिल करनी चाहिए थी, जो उनकी एक इमेज, एक छवि बननी चाहिए थी, वो नहीं बन पाई है। अखिलेश यादव खासतौर पर इन्होंने बहुत निराश किया है, क्योंकि सबसे युवा मुख्यमंत्री अभी इस वक्त है देश में वो, और युवा से उम्मीद की जाती कि उसकी सोच आगे की होगी, वो दूर की सोचेगा, कुछ नए विचार लाएगा, बहुत सक्रिय रहेगा, लेकिन वो सक्रियता उनमें दिखाई नहीं दी। कहीं ना कहीं ये बातें भी आती रही कि सरकार में मुख्यमंत्री के नाम पर तो अखिलेश यादव हैं, लेकिन पीछे से नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव ही सरकार चला रहे हैं। कहीं कहीं ये भी बात आई कि वो अखिलेश यादव को खुलकर काम नहीं करने दे रहे हैं। दूसरा, उनके परिवार में ही, यादव परिवार में जो आपस में फूट है वो भी सामने आई। अभी हाल ही में जो लोग पार्टी में आना चाहते थे, छोड़ना चाहते थे, उसको लेकर भी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में मतभेद उभर कर सामने आए हैं। तो
कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की सरकार की कमजोरी की वजह से बहुजन समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जरूर इन दोनों के वोट बैंक में अच्छा खासा सेंध लगाने में कामयाब होंगी। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 4 रैलियां की हैं यूपी में, 26 साल से बंद पड़े उर्वरक कारखाने की भी शुरुआत की गई है, ऐसे में भाजपा के लिए क्या संभावनाएं हैं? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली और बिहार के चुनावों के बाद जो कहते हैं दूध का जला छांछ भी फूंक कर पीता है, उस स्थिति में है और उस स्थिति में उनको होना भी चाहिए। उनको लगा था कि लोकसभा का करिश्मा लगातार आगे राज्यों में भी बढ़ता रहेगा और राज्यसभा में कम उपस्थिति होने की जो टीस थी उसको भी वो लगातार बराबर करना चाहते थे और उसको बराबर करने के लिए वो उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रयोग भी कर रहे हैं जहां पर वो अपनी केंद्रीय सत्ता का उपयोग करके सरकारें बदलने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो विफल हुए हैं। तो एक तो उससे उनकी छवि खराब हुई, दूसरा कुछ चुनाव में उनको जो सफलता मिली है झारखंड में, महाराष्ट्र में भी तमाम उठापटक के बाद आखिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, हरियाणा में उनको सफलता मिली, तो ये कुछ राज्यों की जो सफलता थी लोकसभा चुनाव के बाद वाली उससे वो थोड़े उत्साहित थे, लेकिन दिल्ली में आकर जो विजय रथ रुका और बिहार में तो जो उनको करारी हार मिली है उससे उनको ये समझ में आ गया है कि ये इतना आसान नहीं है। केवल अमित शाह का जो टीम मैनेजमेंट है, अमित शाह की जो रणनीति है, अमित शाह की जमीन पर भिड़े रहने की जो शैली है, केवल उस वजह से सफलता नहीं मिलेगी। राज्यों में जाकर समीकरण बदल जाते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जो जनता है, बिहार की जो जनता है, वो चुनावों के दौरान मैं बहुत घूमा हूं वहां पर, तो उनका जो सोच है वो बहुत साफ है। अगर उनको किसी को केंद्र के लिए वोट देना है तो केंद्र के लिए वोट देंगे, जब बात नगर निकायों की आएगी या विधानसभा की या विधान परिषद की आएगी तो उनका सोच बिल्कुल अलग होता है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं होगी, दिल्ली और बिहार के सबक को वो किस तरीके से अमली जामा पहनाते हैं ये देखना होगा। एक बड़ी बात जरूर ये हो गई है कि बिहार में जिस तरीके से आरक्षण को लेकर मोहन भागवत जी का जो बयान था वो उनको लगातार परेशान करता रहा और बाद के सर्वेक्षणों में भी सामने आया कि उसने कहीं तकलीफ पहुंचाई है। उसी तरीके से अभी जो दयाशंकर का कांड हुआ है, उन्होंने संसद में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग मायावती के खिलाफ किया है, हो सकता है कि ये चुनाव में बड़ी भूमिका निभाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और वहां का जो पूरा बेल्ट है, वहां की जो जनता है वो इस तरह के मुद्दों को लेकर बहुत संवेदनशील है। जैसे डीएनए वाला जो मुद्दा था उसने भी बिहार में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश चुनाव की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।